दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की सालाना बैठक में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस बैठक में एक पक्ष रिटायर्ड जस्टिस बदर दुरेज अहमद को हटाने की मांग कर रहा था। इस झड़प में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओपी शर्मा को भी चोट लगी है। बता दें, पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को ट्वीट करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गौतम गंभीर ने कहा कि डीडीसीए के पदाधिकारी हद से बाहर चले गए हैं, डीडीसीए ने शर्मनाक काम किया है। गौतम गंभीर ने मांग की है कि डीडीसीए को तत्काल भंग किया जाए, साथ ही इसमें शामिल दोषियों पर ही आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। अभी तक सौरव गांगुली की इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आगे की पंक्ति में बैठे कुछ लोग सामने आते हैं और आपस में उलझ जाते हैं। लोग एक दूसरे पर बुरी तरह झपटते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। दोनों गुटों में कौन लोग शामिल थे, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। थोड़ी देर में ही ये मामला शांत हो गया, लेकिन शुरुआत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर घूंसे बरसाए। बैठक के बाद डीडीसीए की ओर से एक बयान आया है, हालांकि बयान में विवाद का कहीं भी जिक्र नहीं है। डीडीसीए की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है, शुक्रिया सदस्यों, डीडीसीए बोर्ड एजीएम की बैठक में शामिल सभी सदस्यों का आभार। इस सर्दी के माहौल में भी लोगों का आने के लिए शुक्रिया। बोर्ड के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट में अपने व्यूज हमें जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।